इलेक्शन का टाइम आ गया और पार्टी और गवर्नमेंट एक लाइन से होने चाहिए थे। सिद्धू साहब या तो उन्होंने कितने ना कि समझते हैं भी मेरी गल पूरा नहीं कर रहे सरकार, तो मैं समझना भी ये टाइम हैगा भी दे मस्ट सीरियसली थिंक ऑन दैट। ऑपोजिशन के पास कहने को क्या है, अगर पंजाब के लोगों के लिए कुछ अच्छा आता है तो बर्बादी हो रही है, अगर नहीं करेंगे तो हो नहीं रही। सब होता तो सवाल उठाए है और कह रहे हैं कि बेअदबी मामले छोन तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई, सरकार तो ही सवाल उठाए है। देखो मैं समझता भी कितने ना कितने इन्हां दी सिंक्रोनाइजेशन दे विच फर्क है, पार्टी और गवर्नमेंट नूं दोवें लैवल दे उत्ते हरीश चौधरी जी साढ़े इंचार्ज ने, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम ही शुड टेक ए कॉल और इन्हां नूं इकट्ठे करके जिहड़ा भी करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ा जिहड़ियां बड़िया इंपॉर्टेंट ने, इलेक्शन का टाइम आ गया और पार्टी और गवर्नमेंट एक लाइन से होने चाहिए ने। तो मेरा मानना है भी सिद्धू साहब दे जेकर उन्होंने कितने ना कि समझते ने भी मेरी गल पूरा नहीं कर रहे सरकार, तो मैं समझना भी ये टाइम हैगा भी दे मस्ट सीरियसली थिंक ऑन दैट और ये जड़े इन्हां नूं आपस च इकट्ठियां कर रहे हैं। पर इसका नुकसान नहीं होएगा सर, जो सवाल खड़े कर रहे हैं सर, एडवोकेट जनरल को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनका कहना है कि एजी ही अपने तथ्य रखेगा कोर्ट के समक्ष और कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलता है। एजी को लेकर जो बार बार वो सवाल खड़े कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि नियुक्ति तो पंजाब सरकार ने की है, मुख्यमंत्री ने की है। देखिए ये पार्टी ने इसका फैसला लेना, पार्टी हाईकमान हरीश जी इधर है, अगर गवर्नमेंट और पार्टी प्रेसिडेंट के बीच में किसी तरीके का इसके ऊपर उनका एक लाइन पे नहीं है तो आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर देम टू सिट डाउन एंड सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। सर सत्र की कार्रवाई को लेकर विपक्ष का कहना है कि पैसों की बर्बादी की गई है जिस तरीके से आज महज देखिए आप ऐसे हैं, ऑपोजिशन के पास कहने को क्या है, अगर पंजाब के लोगों के लिए कुछ अच्छा आता है तो बर्बादी हो रही है, अगर नहीं करेंगे तो हो नहीं रही, तो ये चीज़ें ऑपोजिशन तो हमेशा कहती है। आज मैं ये समझता हूँ भी चन्नी गवर्नमेंट लोगों में, लोग इनको पसंद कर रहे हैं जी। वैसे एज ए चीफ मिनिस्टर ही इज़ वेरी इजीली कहीं मिल सकते हो आप, इनको मिलने के लिए आपको टाइम नहीं चाहिए और सेकेंडली जो कर रहे हैं वो लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। सर 11 तारीख को क्या कुछ रहेगा सदन में, वो देखेंगे, वो जो जब इश्यूज आएंगे फिर देखेंगे। जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री दे विच या PNP दे थ्रू या LMIA दे थ्रू या जॉब ऑफर दे थ्रू जाके पक्के तौर ते सेटल होना चाहते हो, या तुसी स्टूडेंट वीज़ा ते कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप दे नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है ते तुसी पढ़ के जे सेटल होने का सपना पूरा करना चाहते हो, तुसी हेठ लिखे नंबरों ते कॉल कर सकते हो। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साड़े YouTube चैनल सब्सक्राइब करो, Facebook चैनल लाइक और शेयर करो।